हेलो एवरीवन, तो सी यू ईटी के द कॉलेज रियलिटी शो के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट तीर्थांकन महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद यूपी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो जो तीर्थांकन महावीर यूनिवर्सिटी है, ये कितना बड़ा स्कैम है या फिर फ्रॉड है या फिर अच्छा कॉलेज है या फिर बुरा कॉलेज है, कैसी यहाँ पर कैंपस लाइफ है, स्टूडेंट कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा यहाँ पर प्लेसमेंट हो रहा है, तो आज इसके बारे में अपन कंप्लीट में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर रहिएगा। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार जितने भी सीयूईटी में प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट किए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारे कॉलेज अच्छे ही हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या सारा सीन है। अगर अपन यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दिस इज रियली ऑसम, जस्ट लाइक द हॉस्टल फैसिलिटीज आर ऑल्सो गुड एंड गुड क्वालिटी फॉर दिस बिल्डिंग एंड अदर राइट। एंड जस्ट और कैंपस एज इन जस्ट लाइक इंडोर स्टेडियम है, जिम, क्रिकेट एंड जस्ट लाइक ऑल्सो ए टेम्पल एंड ओवर यूनिवर्सिटी, जस्ट लाइक कंपेयर अदर डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट कोर्सेस एंड जस्ट गुड, ठीक है। और कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड एंड जस्ट लाइक कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे वाईफाई है, कैंटीन है, ठीक है, एंड प्रिंटिंग शॉप्स है एंड हॉस्पिटल सर्विसेस है, ठीक है, एंड जस्ट लाइक क्लब है, जिम है, ओके, एंड और कॉलेज प्रोवाइड वाईफाई, कंप्यूटर लैब, ओके, और जस्ट लाइक ठीक है। देन अब अपन बात करते हैं कि जस्ट जो है सबसे बेड कंडीशन है हॉस्टल की, एंड फूड इज़ नॉट गुड एंड द फूड इज़ हॉस्टल मेस इज़ पॉकेट फ्रेंडली बट इट इज अनहाइजेनिक, सो इफ़ यू टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज देन इट इज़ बेटर नॉट टू चूज दिस हॉस्टल, ठीक है। एंड अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे का क्या सारा सीन है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, इनकी फैकल्टी की ओर चलेंगे, तो जस्ट जो है सेमेस्टर एग्जाम आर मॉडरेट लेवल डिफिकल्ट एंड इफ़ यू स्टडी वेल यू कैन श्योर क्लियर द एग्जामिनेशन राइट। तो ये तो सिंपल है, पढ़ना तो पड़ेगा यार एग्जाम के लिए। द टीचर आर वेल एडुकेटेड एंड नॉट हेल्पफुल, ठीक है, एंड द कोर्स करिकुलम वेरी वेल एंड रेलिवेंट एंड ऑल द फैकल्टी मेम्बर्स आर ऑलमोस्ट क्वालिफाइड एंड फ्यू एक्सपीरियंस्ड इन द स्टडी फील्ड। एंड अगर अपन इसके कुछ बुराइयां करें तो जस्ट लाइक फैकल्टी आर रियली वेरी मच क्वालिफाइड एंड जस्ट लाइक जो है वॉट एवर वेन एवर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि कुछ स्टूडेंट का मेरे पास जो है ये क्वारी आई है कि भैया जो है टीचर जो लोग हैं उनका मेन मोटिव ये होता है कि एकेडमी का जो सिलेबस है उसको जस्ट कंप्लीट करा दिया जाए और स्टूडेंट देन से एक साथ अच्छा रिलेशन नहीं है एंड जो है बच्चों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा, उनका मेन मोटिव यही होता है कि हाँ पढ़ा दिया ठीक है काम ख़त्म सिलेबस कंप्लीट टाटा बाय बाय राइट। सो दिस इज़ नॉट गुड राइट एंड ओवरऑल दिस कॉलेज इज़ नॉट सफिशेंट गुड फॉर परस्यूइंग जस्ट लाइक BSc एंड अदर, टोटली टाइम वेस्ट, कुछ स्टूडेंट ने ये लिख के भेजा राइट। सो ये बहुत बुरी बात है एंड कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि भैया यहाँ पे कुछ कुछ प्लेसमेंट भी होता है जस्ट लाइक 30-35% एंड जो लोवेस्ट प्लेसमेंट की, अगर यहाँ के हाईएस्ट प्लेसमेंट की अगर अपन बात करें तो इन लाख्स में प्लेसमेंट गया, लोएस्ट प्लेसमेंट की अगर अपन बात करें तो जस्ट लाइक 10-15,000 पर मंथ का यहाँ पे प्लेसमेंट भी जाता है। अगर अपन यहाँ के कुछ अच्छे रिक्रूटर्स की बात करें तो जस्ट जो है TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है एंड विप्रो वगैरह है, वो भी यहाँ से जो है बच्चों को रिक्रूट करती है एंड जो है ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर जस्ट लाइक सिविल सर्विसेज एंड अदर बिकॉज दिस इज बिलोंग टू UP और IAS वाइज बनते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं राइट। एंड जो है गोट कुछ स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप मिलती है एटलीस्ट 20-30% बच्चों को एंड असिस्टेंट इंजीनियर एंड प्रोजेक्ट हेड रोल्स आर ऑफर्ड राइट। अगर अपन इसके कुछ आगे बढ़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक है एंड जो है नीट एंड क्लीन रूम्स है एंड हॉस्टल इज अवेलेबल ऑन कैंपस राइट। फैकल्टी की अगर अपन बात करें तो द फैकल्टी मेम्बर्स आर रियली हेल्पफुल एंड मोस्ट ऑफ द फैकल्टी हैव डन मास्टर्स फ्यू, ठीक है, नॉट फॉर ऑल राइट।
अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स ने कुछ जो है और क्या कहा मेरे को, कुछ स्टूडेंट ने यार ये जस्ट सेटिस्फाइड है, बहुत सारे स्टूडेंट इससे सेटिस्फाइड नहीं भी है। और अगर अपन कंसिस्टेंसली अगर देखें जस्ट लाइक 2018 में, 2019 में, 2020 में, तो उसने अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया है। ऐसा नहीं है कि इम्प्रूव नहीं किया, इम्प्रूवमेंट हुआ है कॉलेज के अंदर, ठीक है, प्लेसमेंट में भी हुआ है, फैसिलिटीज़ में भी हुआ है। 2018 में कॉलेज के हालात बड़े ही ख़राब थे, बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। 19 में थोड़ा सुधरा, 20 में थोड़ा सुधरा, 21 में थोड़ा सुधरा, राइट। एंड अगर अपन बात करें जस्ट लाइक फ्यू स्टूडेंट्स सेलेक्टेड फ्रॉम CSE ब्रांच एंड अदर ब्रांचेज के हालात इज वेरी बैड, हॉस्टल के हालात बहुत ही ख़राब है। लोकल एरिया जस्ट लाइक मुरादाबाद है, जस्ट कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि भैया जो स्ट्रीट क्रिमिनल है वो यहाँ पे पढ़ते हैं, राइट, उनका यहाँ पे जिम्मा चलता है, सर आज नहीं पढ़ाना तो फिर नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, आज की छुट्टी, राइट। सो दिस इज वेरी बैड एंड ये एक कॉलेज के लिए बहुत गलत बात है ना। एंड सम टीचर्स आर वेल बट नॉट ऑल, राइट, देर आर मैनी रूल्स सो द स्टूडेंट्स फील अनकम्फर्टेबल, देर इज नो एजुकेशन सिस्टम ही नहीं एजुकेशन का, एंड द टीचर्स ओनली वॉन्ट टू फिनिश देर लेक्चर्स एंड सिलेबस। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टीचर का जो है, ऑल ओवर इस कॉलेज की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे कॉलेजों में ऐसा ही होता है कि टीचर का मेन मोटिव ये होता है मैंने तो सिलेबस पढ़ा दिया। अगर कोई बच्चा बाहर से क्वेश्चन पूछ लेता है तो टीचर बोलता है तुम्हारे सिलेबस में तो है नहीं, तुम्हारा जो सिलेबस है कम से कम वो तो पढ़ लो, पास हो जाओगे, ठीक है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी बोलते हैं बहुत सारे टीचर्स। एंड द टीचर्स ओनली वॉन्ट टू फिनिश देर सिलेबस एंड लेक्चर्स, दे डोंट सी whether whatever they understood or not, so ठीक है ये भी नहीं बोल सकता। एंड 75% अटेंडेंस इज कंपल्सरी, एंड इफ यू डोंट हैव एनी 75% तो यू विल बी डिनाइड एंड यू फॉल स्टिक और हैव एनी अदर प्रॉब्लम्स, टीचर्स डोंट हेल्प यू एंड दे से दैट इवन इफ यू फॉल स्टिक और